सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं जो है ये कार आर्मरेस्ट स्पेशली फॉर पंच, इसका ऊपर एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने लिया था अक्टूबर महीने पे 2022, जब मैंने मेरे गाड़ी के लिए जो डैश कैम लिया था उस टाइम पे ही ये चीज़ भी मैंने मतलब ख़रीदा था अमेजन से। ये पूरा ही जो बेस है ये वुडन का है, और ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक या फाइबर आप बोल सकते हो, ये चीज़ भी प्लास्टिक का फाइबर। इधर आपको एक बोतल होल्डर मिलेगा, 1 लीटर का बोतल आप रख सकते हो। इधर मैंने कार जो डस्टबिन होता है वो चीज़ मैंने रखा, क्योंकि ये उतना स्ट्रांग नहीं है। 1 लीटर का बोतल मतलब बोतल का जो वेट है, मुझको लगता है ये मतलब चीज़ नहीं ले सकता है। तो और इधर आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलेगा, इधर मैंने एक टेप या जो है नॉर्मल कार चार्जिंग का केबल जो है वो रखा है। इधर कोई भी छोटा मोटा चीज़ आप रख सकते हो। इसका एक प्लस पॉइंट यही है, इजीली आप प्लग एंड प्ले का फीचर्स है, मतलब ऐसे करके आप मतलब इधर का कुछ चीज़ मतलब आपको ज़रूरत है तो ये चीज़ आप बूट में रख सकते हो, और इजीली इंस्टॉल भी आप कर सकते हो ऐसे नॉर्मल। इसका एक ड्रॉबैक यही है, अगर जब मतलब ये चीज़ आप इंस्टॉल करोगे तो हैंड ब्रेक को देने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ऐसे करके आपको हैंड ब्रेक देना होगा, नहीं तो ये चीज़ उठा के आप हैंड ब्रेक दे सकते हो। फिर भी इतना सा ही आपको जगह मिलेगा हैंड ब्रेक देने के लिए, देखो ऐसे करके। हालांकि मैंने 3-4 महीने ऐसे करके चला लिया तो मेरा तो आदत हो गया, कोई भी उतना दिक्कत नहीं देता है मुझको। अगर आप भी ऐसे करके चलाओगे तो आई थिंक आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। कुछ टाइम के बाद आप हैबिचुएटेड हो जाओगे इस चीज़ से। और ये जो आर्मरेस्ट है इससे मतलब इसका ही मतलब एक गुड फीचर्स यही है, इधर आपको जगह एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलता है। तो इससे क्या होगा, ये जो सीट बेल्ट है इजीली आप लगा सकते हो, देखो ये जो आर्मरेस्ट है थोड़ा सा आगे मैंने कर दिया, हाँ देखो इतना सारा जगह है अभी, तो इजीली आप ये चीज़ निकल भी सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन जो यूनिवर्सल आर्मरेस्ट आता है जो 900 या 1000 रुपीज़ का, वो इस ये जो लेंथ है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये जो सीटबेल का जगह है ये चीज़ में थोड़ा सा आगे आ जाता है, तो इसमें ये सीटबेल लगाने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। बट हाँ, इस चीज़ में वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1-2 और भी ट्राई किया था जो 900 या 1100 रुपया का आता था, बट उसमें ये चीज़ दिक्कत आता था, तो इसके लिए वो चीज़ मैंने रिटर्न करके ये जो पंच का एक्चुअल आता है वो चीज़ मैंने लिया। इसमें दोनों मतलब यू कैन से कि डिसएडवांटेज है, जो हैंड ब्रेक आप चाहो तो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट हाँ अगर आप ये जो चीज़ है ये ऊपर करके खींचोगे तो उतना दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा ये जो है जगह ज़्यादा मिल रहा है, तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ इधर का जो है पंच में स्पेशली जो 2 ग्लास का जगह है ग्लास होल्डर, ये चीज़ में ये जो है आर्मरेस्ट बैठता है, तो उस चीज़ का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बट हाँ पंच जैसा गाड़ी में, पंच में लाइक या टियागो में ऊपर का भी कोई मॉडल में ये आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, तो इस टाइप का कुछ भी गाड़ी में अगर आप ये आर्मरेस्ट लगाओगे तो इस जगह का जो यूज़ है वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो ऐसे करके अमेजोन या कोई भी शॉप पे जाके आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट हाँ इसमें थोड़ा सा ये जो हैंड ब्रेक या नॉर्मल इधर का जो जगह का यूज़ है वो चीज़ आप नहीं कर सकते। आर्मरेस्ट का एक एडवांटेज यही है, अगर मतलब आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो मतलब 200-300 किलोमीटर, तो ये जो है ऐसे करके इजीली गियर चेंज होगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। तो यही एक बात है। तो और अगर आप पंच ओनर हो तो मैं ये जो चीज़ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने जब लिया था 1850 रुपीज़ के आसपास मैंने ये चीज़ लिया था, और इसका प्राइस अभी भी ऐसे ही है, मतलब
1800 से 1900 के आसपास। सो अगर आप चाहो तो ये चीज़ ले सकते हो, और अगर मतलब आपका बजट में इशू है तो जो यूनिवर्सल है वो चीज़ भी आप ले सकते हो। बट हाँ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा ये सीट बेल्ट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, ये कार आर्मरेस्ट फॉर टाटा पंच। या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।